नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। जनपद औरैया के अजीतमल के विद्युत उपकेंद्र पर खराब मौसम में विद्युत व्यवस्था सुचारू न होने के साथ साथ विद्युत विभाग की उदासीनता के चलते हजरतपुर, जगन्नाथपुर, हजारीपुर, प्रतापपुर, गिरधारीपुर, सहवाजपुर, बेंदी आदि दर्जनों से अधिक गाँव को अंधेरे में डाले हुए हैं। शुक्रवार को सभी गाँव के सैकड़ों लोग और किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष ध्यान सिंह राजपूत विद्युत विभाग के कार्यालय में ग्रामीणों की समस्या को लेकर उन्होंने विद्युत उपखंड अधिकारी राहुल कुमार को इस संबंध में अवगत कराते हुए ज्ञापन दिया और कहा कि उनके आसपास के क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसलिए उनकी विद्युत सप्लाई सिकरौली रोड की लाइन से जोड़ दी जाए, जिससे उनको सुचारू रूप से विद्युत सप्लाई उपलब्ध हो सके। इसी मौके पर सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। मौके पर अनुराग सिंह राजपूत, सौरभ कुमार मानसिंह, कुलदीप कुमार, अपरवल सिंह, विनय कुमार, पूजन राजपूत, लाखन सिंह, ओंकार उदयवीर, ऋषि कुमार, पूती गोलू, लकी, पिंकेश लोग उपस्थित रहे। तो आज आपको ज्ञापन दिया गया है और क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, इनकी समस्या है, लगभग 6 गांव वहाँ पे बंद है 3 दिन से। तो एक्चुअली बारिश के कारण जो है हमारे क्षेत्र में कम से कम 35 से 40 पोल टूटे हैं। उसके 2 दिन पहले जब बारिश हुई थी उसमें भी 26 पोल टूट गए। तो पोल लगातार गड़ रहे हैं और लगातार हमारे कर्मचारी सुबह से लेकर रात तक सप्लाई चालू कराने में लगे हुए हैं। अधिकांश जगह सप्लाई रिस्टोर कर दी गई है, कुछ जगह बचे हैं जो आज शाम तक कंप्लीट कर दिए गए। की जो समस्या है वो तो तुरंत रिजॉल्व हो रही है। हमारे पास जो भी उपभोक्ता एजेंसी जिनके बिल गलत हैं वो हमारे से डायरेक्ट संपर्क करता है और उसका तुरंत निदान होता है। आप जो भी देख सकते हैं, आप जो भी हमारे से डायरेक्ट संपर्क करता है, अपना मीटर का रीडिंग लेके आता है, तुरंत उसका बिल सही करता है। समस्याएं रहती हैं लोगों की, हाँ समस्याएं, देखिए जब क्षेत्र में समस्या ज़्यादा रहती है तो एक बार में सही नहीं हो सकती, वो धीरे 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 करके उसको डाउन लाया जाता है। ठीक है, लोगों की जो है सॉल्व लगातार संभव प्रयास रहता है की जा रही है और समस्याएं कम होती जा रही है, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। सर एक समस्या बहुत बड़ी है कि थोड़ी सी भी आंधी आ जाए या थोड़ा सा कोई फूंक मार दे तो हमारे यहाँ तुरंत ही बिजली की आपूर्ति ठप हो जाती है, इस विषय में क्या कहेंगे आप? ये समस्या है एक्चुअली हमारे यहाँ पे जो लाइन 33 KV की आ रही है वो 40 किलोमीटर दूर से आ रही है। जी ठीक है, तो लंबी लाइनें हैं यहाँ पे जो है, ये जो अजीतमल बिजली घर का सप्लाई 2 33 KV से सप्लाई से हो पाता है, 1 33 KV से इनकी पूर्ति भी नहीं हो पाती, नहीं तो वोल्टेज ड्रॉप इतना होता है 8 KV 9 KV की लाइन चलाना भी मुश्किल है। इसलिए जो है दोनों 33 KV को हम लोग चलवाते हैं और देवगली से और एसएनजी से दोनों की सप्लाई यहाँ पे आती है, तब वो जो है वो भी लाइन इतनी लंबी है 40 40 किलोमीटर की लाइन, तो वहाँ पे समस्या थोड़ी ये हो जाती है कि जब पेट्रोलिंग होती है तो समय लगता है, 40 किलोमीटर थोड़ा डिस्टेंस नहीं, लाइनमैनों को पेट्रोलिंग करने में जो फॉल्ट ढूंढने में उसमें समय लगता है। इवन अगर अनंतराम फीडर आपका जो देखा जाए, आपका अनंतराम फीडर है जी, तो उसमें वो अगर एक लाइन लेंथ अगर जोड़ा जाए तो कम से कम 11 KV 70 किलोमीटर की लाइन है जी, बहुत बड़ी लाइन है। उस लाइन को एक या दो लाइन में मिलकर चला रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं तब वो तो कर पाते हैं। सर लोगों की समस्या सबसे बड़ी ये है, की समस्या ये है मतलब जो लाइन घूम के आई है उसके बारे में सर पता? लाइन बनी हुई है काफ़ी दिन से बनी हुई है, बाकी अगर उसमें कुछ चेंजमेंट होना है, कुछ मॉडिफिकेशन होना है, हम सर्वे करा करके उसको करा देंगे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा भी है कि अगर लाइन में कोई फॉल्ट है, अगर XYZ मान लो कोई भी फॉल्ट है कहीं पे भी कुछ कुछ भी हुआ हो और अगर 1912 पे हम कंप्लीट करते हैं तो 5 मिनट लाइन कैसे आ जाती है, फिर 5 मिनट लाइट कैसे चालू हो जाती है? अगर फॉल्ट है तो फिर वो फॉल्ट रहना चाहिए नहीं, अगर 1912 पे हमने कॉल किया तो 5 मिनट लाइट आ जाती है, कैसे आती है सर फिर लाइट? ऐसा है, फॉल्ट के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, कहीं पे पेड़ टच हुआ, कहीं चिड़िया मर गई उसकी वजह से फॉल्ट हुआ, कहीं पेड़ सर नहीं आ रहा है सर, अगर 8 घंटे से लाइट बंद है रीजन, और अगर 1912 पे हमने कॉल किया तो 5 मिनट में लाइट आती है सर, कैसे कैसे आती सर? वो कोई मैटर नहीं है उस चीज का, आपको रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा। 3 दिन से हमारी लाइन टूटी है, जब तक रीजन 3 दिन से पानी नहीं है, तो क्या 5 मिनट फोन कर रहे हैं? वो तो जेन्युइन रीजन है, ठीक है उसमें।
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार,